ये कह सकता हूं कि ड्रीम एक्सरसाइज एक कला है और हम सब उसके कलाकार बन सकते हैं हम कलाकार यदि बन जाएंगे ड्रीम निकालने के कलाकार बन जाएं बस काम हो जाएगा और वी नीड टू तो स्कैन पीपल एक गूगल का एक प्रोडक्ट आने वाला है गूगल ग्लास मुझे पता नहीं वो आया फेल हुआ वट पर उसमें मैंने देखा था वो आप ग्लास की तरह उसको पहन लो और आप चलते चलते वो आपके आंखों के सामने ना वो सारे गूगल पे जितनी भी आपकी चीजें आती हैं वो गूगल पे वो ग्लास पे वो चीजें आ जाएंगी भाई जैसे आप चल रहे हैं और एग्जाम्पल के तौर पर गुलाब जी आ गए सामने तो गुलाब जी की एज गुलाब जी की प्रोफाइल गुलाब जी कौन से सिटीज हैं वो सब कुछ आ जाएगा सामने वो स्कैन कर लेता है ऐसा सब कुछ ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है आई डोंट नो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पर हमें उस प्रोडक्ट का इंतजार नहीं करना है हमें वैसे एक ऑटोमेटिक स्कैनर बन जाना है आज से वी नीड टू स्कैन पीपल चलते फिरते कि कौन आदमी एक्सेप्टेड है कौन आदमी रिजेक्टेड है, है और ये करते रहना है मैं खुद करता हूँ इस काम को इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले की बात है मैं मेरे अपार्टमेंट से निकल रहा था तो एक आदमी एक कोरियर बॉय बड़ा भारी बैग लेकर ऐसे चढ़ रहा था सीढ़ियों को मैंने कहा अरे राम मैंने उसको ऐसे देख के मेरे मुंह से अपने आप निकल गया मैं अरे राम ये क्या है तो बोला अरे सर क्या करें मजबूरी है ए, सुन सुन, सुन मजबूरी नहीं है जिस दिन लगे कि इस मजबूरी से फ्री होना है ये मेरा कार्ड पकड़ फोन कर लेना दैट इज इट दैट इज अब अब उसका भाग्य वो फोन करे कि नहीं करे मेरा काम मैंने मेरा पूरा कर दिया अच्छा मैं उसको वहां पर रुक के प्लान नहीं दिखाने वाला था मैं सिर्फ उसको मैंने कहीं ना कहीं एक सवाल और जवाब हुआ मुझे लगा कि शायद इसको ये मजबूरी से फ्री होने के लिए एक मौका देना चाहिए मैंने उसको अपना बिजनेस कार्ड दे दिया उसने फ़ोन नहीं किया वो उसका भाग गया अभी बात है मेरे दादाजी पाँच चार पाँच महीने पहले ही वॉज इन हॉस्पिटल वो पैरालिटिक अटैक उनको आया था पापा शहर में नहीं थे मैं उनको लेकर गया तीन दिन वो हॉस्पिटल में थे तो नर्सिंग स्टाफ आ रहा था जा रहा था क्योंकि वो उनकी टॉयलेट जाने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई थी रात को बारह एक बज गए वो नर्सिंग स्टाफ आया और वो उनको फ्री करा रहा था तब तक उसने पूछ लिया सर आप क्या करते हैं मैंने कहा हो गया काम शुरू अपना मेरा स्कैनर चालू मैंने कहा कि मैं लोगों की मदद करता हूँ उनको एक बिजनेस शुरू कराने में कई सारे लोग ऐसे हमारे साथ हैं जिनको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी अब मैंने धीरे धीरे जैसे मुझे एंट्री का रास्ता मिला मैं एंटर करना शुरू किया मुझे रास्ता मिला वहां पर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं मैंने एंटर करना शुरू किया मैंने कहा आपको नौकरी पसंद है हाँ हाँ बिल्कुल मुझे नौकरी बहुत पसंद है ऐसा नहीं है दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको नौकरी करना बिल्कुल बेकार लगता है ऐसे भी मिल सकते हैं जो नौकरी बहुत पसंद करते हैं मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मुझे वहां पर मैं मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हम बॉलर होता है ना क्रिकेट में बॉलर वो बॉल फेंकता है जहां उसको कैच पकड़वाना है ये बॉलर की स्टाइल ऐसा नहीं होता जिस तरह हम गली क्रिकेट खेलते हैं हम कोई भी बॉल फेंक दें और वो कहीं भी मार दे जितने भी फास्ट बॉलर हुए हैं जितने मैक्सिमम विकेट टेकर हुए हैं क्रिकेट में वो बॉल

आप कैसी जिंदगी चाहते हो कभी कुछ सोचा है जिंदगी के बारे में ऐसा मैंने सवाल पूछा तो बोला कि सर जिंदगी तो अच्छी चाहते हैं मैंने कहा किस तरह की जिंदगी रात के बारह साढ़े बारह एक बज रहे हैं तो मैं उससे ये सवाल कर रहा हूँ खड़े खड़े जब तक वो अपना काम कर रहा था तो बोला कि सर जिंदगी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए मैंने कहा कैसी होती है अच्छी जिंदगी आप थोड़ा बताइए तो थो सही अब यही सर कि अपनी अच्छी जिंदगी हो लाइफ अच्छी हो परिवार की अच्छी जिंदगी हो मैंने कहा क्या होता है और थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि सर नाम हो थोड़ा पैसा हो मैंने कहा अच्छा कितना पैसा चाहिए बॉल बॉल फेंकी मैंने अब मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अभी विकेट गिराएगा बोला कि सर पचास हजार लाख रुपए होते हो मुझे मिल गया मैंने कहा अब तो मैं इसको योरकर मारूंगा और ये कंप्लीट बोल्ड है अगला सवाल जो होने वाला था मेरा पूरा फिक्स मामला चल रहा है ये मेरे पास बॉल फिक्स है मैं बॉल बॉलर चेंज कर लेता कि एक बार दो तीन छक्के पड़ जाते हैं ना जब बैट्समैन दो तीन छक्के मार दे लगातार तो उसके बाद कौन सी बॉल आती है योरकर या फिर बाउंसर आएगी अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो तो अब मुझे पता लग गया कि ये कम्प्लीटली बोल्ड होने वाला है तो मैंने अगला सवाल पूछ दिया कि भाई साहब जो नौकरी कर रहे हो इससे कभी पचास हजार लाख रुपए आएंगे नहीं आएंगे तो फिर ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे पचास हजार लाख रुपए हो होगी हाँ तो पकड़ो कार्ड बिजनेस कार्ड एज सिंपल एज दैट हो गए अब आपको पता है हुआ क्या मैं ईमानदारी से बता रहा हूं झूठ कभी मैं बोलता नहीं छह फोन किए उसने मुझे गिनती की छह और मेरे पास टाइम नहीं था उसको बताने के लिए मैं दादाजी को संभालू कि उसको प्लान दिखाऊं मेरे पास टाइम नहीं तो ऐसा हो सकता है दिन भर में हम हर एक व्यक्ति को प्लान निकालने के लिए नहीं निकले हैं हमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है जो आदमी हमारी बॉल से बोल्ड हो रहा है वही व्यक्ति हमारे काम का है कई बार ऐसा होता है मैं खुद रिजेक्ट करता हूं मैं अभी ट्रैवल कर रहा था डेली बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल कर रहा था तो डेली में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए बस लेनी पड़ती है शटल टर्मिनल वन से टर्मिनल टू पे जाने के लिए तो आई टेकिंग अ शटल और मेरे बगल में कोई एक आदमी आके बैठा बैठ गया मेरा मन नहीं था उस समय बात करने का फिर हुआ क्या कि जब उतरने का टाइम आया तो उसने अपना बैच डाला आई कार्ड तो उस पर लिखा हुआ था इमिग्रेशन तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी कुरियो, हुई कि यार इमिग्रेशन में है बंदा इससे कुछ बात करते हैं कुछ सीखने को मिलेगा तो अभी की बात है महीने भर पहले की तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा भाई साहब आप इमिग्रेशन में हो तो वो अपना आई कार्ड एडजस्ट तो करते हुए बोलता है मैंने कहा रिजेक्ट उससे बात ही नहीं करा मैं जिसके पास फुर्सत नहीं है ऊपर देखने की मुस्कुराने की और हाँ बोलने की उससे बात ही क्या करनी लोगों की कमी है क्या मैं चाहता तो उसकी ड्रीम एक्सेस कर लेता अगर मेरा मूड होता तो नहीं ये दोपहर तो लोगों की कमी नहीं है ये ये इधर बगल भी तो आदमी बैठा हुआ है उससे भी कर सकता हूँ एंड एवरी वेयर मैं आपको बताता हूँ क्लासिक एग्जाम्पल मेरे पास है मुझे बड़ा मज़ा आया मैं हल्ला बोल के लिए आया था जब मुंबई तो हमने ऑर्किड होटल में चेक इन करने के लिए टाइम था क्योंकि सुबह सुबह चेक इन मिलता नहीं है तो आई वॉन्टेड टू यूज़ वॉशरूम मैं वॉशरूम में गया तो वॉशरूम थोड़ा गंदा था अब गंदा था तो मैंने देखा वहाँ पर यूजुअली फाइव स्टार होटल्स में एक हाउसकीपिंग का गाय होता है वॉशरूम में पर्मेन्टली वो खड़ा रहता है तो एक लड़का खड़ा हुआ था मैंने उसको रिक्वेस्ट की मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे लिए क्लीन कर देंगे उसने बोला बिल्कुल सर श्योर उसने बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया और मुझे मैंने उसको थैंक यू बोला एंड ही स्टेड बैक बोला सर वेलकम मुझे बहुत अच्छा लगा यानी वोज ए यंग गाय मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा लगा अंदर से फीलिंग आ जाती है कई बार जब आप स्कैनर बन जाते हैं ना तो स्कैनर बनने के बाद एक ऐसी फील आ जाती है आपको कि नहीं यार इस व्यक्ति को शायद यहाँ से हम फ्रीडम दिला सकते हैं तो मैंने मेरा काम किया मैं बाहर आया मैंने हैंड वॉश किया और मैंने उसको कहा मैंने कहा भाई जिंदगी भर इसी जगह रहना है या कुछ यहां से फ्री होना चाहते हो बोले सर क्या है मैंने कहा क्या है क्या नहीं है वो तो मैं बाद में बताऊंगा पर फ्री होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो तो फ्री तो होना चाहते हैं मैंने कहा आप मुझे अच्छे लगे मुझे लगता है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जिससे आप यहाँ पे फ्री हो जाओ हो सकते हो, हो सकते हो ये रहा मेरा कार्ड मुझसे बात कर लेना दैट इज इट दिन भर में अगर मेरा वास्तव में मन होता है मूड होता है तो दिन भर में मेरा टारगेट रहता है कि 10 से 20 लोगों को मेरा बिजनेस कार्ड में दे दूं अब उनका भाग वो मुझे घंटी मारे कि नहीं मारे मारेगा तो अपने आप वास्तव में चलकर आएगा मेरी दुकान पे समझने के लिए कि क्या समझना है उसको दिस इज वर्ट इज ड्रीम एक्सरसाइज तीन मिनट के अंदर किसी भी आदमी को स्कैन करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं हम और ये अगर हमने कर लिया तो हमारे नेटवर्क की मतलब क्या लिस्ट बिल्डिंग और क्या कोल्ड कॉन्टेक्टिंग कुछ भी मुश्किल नहीं है